हेलो जी, मेरा नाम है नईम और गाइस आज हम बात करने वाले हैं जंस्कार वैली और शिंकुला पास के ट्रैवल अपडेट 2021 के बारे में। मैं लाया हूँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शिंकुला पास जंस्कार वैली के कंप्लीट रूट के बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आपको इस बार 2021 में आ सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस ट्रैवल ब्लॉग के अंदर। तो बस अगर आप जंस्कार वैली का प्लान इस साल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ के माउंटेन पास की क्या सिचुएशन है, रोड की कंडीशन क्या है, वाटर क्रॉसिंग आप कर सकते हैं या नहीं अभी इस टाइम में। तो गाइस पहले हम बात करते हैं जंस्कार वैली के माउंटेन पास की। अगर आप करगिल से जा रहे हैं तो पेंजिला पास का अपडेट होना आपको ज़रूरी है। पेंजिला पास अभी ओपन है लेकिन अभी पिछले 2 से 4 दिन पहले वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है और रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। बीआरओ ने वो रोड वापस ओपन कर दिया है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा जब भी आप प्लान कर रहे हैं तब आप उसका अपडेट ले लीजिए कि वेदर फोरकास्टिंग क्या चल रहा है, क्या आप उस रूट पर राइड या ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अभी का अपडेट ये है कि पेंजिला पास कारगिल साइड से ओपन है, आप कारगिल से जंस्कार वैली पदुम जा सकते हैं। अब बात करते हैं लमायरू साइड की। लमायरू से अगर आप जा रहे हैं तो शिंगिला सिरसिला का अपडेट आपको होना ज़रूरी है। तो शिंगिला सिरसिला का अभी 5 दिन पहले का अपडेट यही है कि वो रूट भी ओपन हो चुका है, बीआरओ ने ओपन कर दिया है, लेकिन अभी वहाँ पर कितना ट्रैफिक मूवमेंट हुआ है ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पर या कोई भी ऐसे पिक्चर्स या कोई वीडियो हमें देखने नहीं मिले हैं। लेकिन एक लोकल के अपडेट्स के हिसाब से वो रूट ओपन हो चुका है, लेकिन 4 दिन पहले वापस स्नोफॉल हुआ है तो वापस क्लोज हो चुका है। ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 20 जून 2021 का, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो आगे हम बात करते हैं शिंकुला पास का। शिंकुला का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि वो कब ओपन होगा। शिंकुला पास ओपन हो चुका था शिंकुला टॉप तक मनाली होकर, लेकिन इशू ये हुआ है कि अभी से 3 से 4 दिन पहले वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है और वो रोड वापस बंद हो चुका है। आप शिंकुला टॉप तक 4x4 लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर बियॉन्ड शिंकुला, अगर मनाली साइड से आप जाना चाह रहे हैं या आप शिंकुला के उस पर कुर्गियाक तक जाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए अभी 5 से 10 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं, या तो जुलाई की स्टार्टिंग या जून के लास्ट में 28-30 जून तक आप शिंकुला का या जंस्कार वैली का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जंस्कार वैली पूरी तरह से 8 से 10 दिन बाद ओपन हो जाएगी। आपको सिर्फ अपडेट लेना है, वेदर फोरकास्टिंग देखना है पेंजिला का, शिंकुला का, शिंगिला और सिरसिला लमायरू साइड का, बाकी आपको निकल जाना है जंस्कार वैली के ओर, लेकिन आज से 8 से 10 दिन बाद, ये आप ध्यान रखने का। मैं अभी 20 जून 2021 में बात कर रहा हूँ, आपको अगर प्लान करना है तो 25 जून के बाद आप प्लान कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर क्रॉसिंग्स के बारे में। अगर आप शिंकुला जा रहे हैं तो शिंकुला के बाद एक कुर्गियाक और लाखांग से पहले, कुर्गियाक से पहले 10 किलोमीटर और लाखांग में एक वाटर क्रॉसिंग आती है। अगर मान लीजिए आप स्नोफॉल हुआ है शिंकुला पर और अभी आप क्रॉस कर रहे हैं, शिंकुला आप क्रॉस कर लेंगे लेकिन वो वाटर क्रॉसिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, आप बाइक से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छी कोई एडवेंचर बाइक है तो चांसेस बनता है, अगर आपके पास हल्की बाइक है कोई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस वाटर क्रॉसिंग का जो कि लाखांग में है उसका आपको प्रॉपर अपडेट लेना है, जो भी बंदा वहाँ से राइड करके आया है उससे। और इस वाटर क्रॉसिंग को स्पेशली मैं कहता हूँ जुलाई और अगस्त के अंदर आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मैंने वहाँ का अपडेट देखा है और जिन लोगों ने उसको क्रॉस किया है जुलाई अगस्त में, वो कहते हैं कि नामुमकिन है उस वाटर क्रॉसिंग को अपनी बाइक पर क्रॉस करना, क्योंकि वो पूरी एक रिवर है और उसके कम से कम मान लीजिए आप 2.5 से 3 फीट गहराई है और उसके जो चौड़े ही मान के चलिए आप कम से कम 50 से 60 मीटर है, तो ये बहुत ही टफ हो जाता है एक राइडर के लिए। तो गाइस इस तरीके से जंस्कार और शिंकुला 8 से 10 दिन बाद ओपन हो जाएगा पूरी तरह से। पेंजिला अगर कारगिल साइड से जा रहे हैं, पेंजिला से आप पदुम में तक पहुंच सकते हैं और पूरा
सर्किट कर सकते हैं। सिंगुलर सिरसिला शिंकुला का अभी 8 से 10 दिन वेट करिए, फिर आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग आपको प्रॉपर देखना होगा इस राइड को करने से पहले। तो गाइस, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।